क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। सो उन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों को पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजिलॉन लिमिटेड के बारे में। सो इंजिलॉन लिमिटेड की बात करें तो आज के दिन में इन स्टॉक में हमें एक अच्छे खासे गिरावट देखने को मिला, लगभग 303% की गिरावट। और अगर हम इस गिरावट की बात करें तो आप देख पाएंगे बीच मतलब शुरुआत में इन स्टॉक में तो जो गिरावट था हमें और भी ज़्यादा देखने को मिला था। लगभग ये जो 2500 के लेवल है दोस्तों, उसको भी ब्रेक करके हमें नीचे की ओर जाते हुए देखने को मिला था। उसके बाद निचले स्तर से हमें एक अच्छे खासे बाइंग देखने को मिला, जिनके चलते जो ओवरऑल क्लोजिंग है लगभग 3% की गिरावट के साथ ही हमें देखने को मिला। सो मैंने ऐसा क्यों कहा कि आज के दिन भी इन स्टॉक में हमें इतने बड़े गिरावट देखने को मिला, क्योंकि अगर हम कल के दिन की परफॉर्मेंस की बात, यानी कि पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की, तो आपको ओवरऑल गिरावट रफली आपको 3% ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो टॉप से अगर आप देखोगे, कल के दिन जो उसने टॉप बनाए थे लगभग रफली एग्जैक्टली बात करें तो लगभग 2900 के आसपास, उसके बाद से जो कल के दिन स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला। और अगर आप टॉप टू बॉटम देखोगे तो पिछले 2 दिनों में स्टॉक में आपको एग्जैक्टली देखोगे तो आपको 12 से लेकर 13% की आपको दमदार गिरावट, मतलब इतने बड़े आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा। सो उसके पीछे का रीज़न क्या, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो इन स्टॉक में मतलब इंजिलॉन लिमिटेड में आपको एक तरफा एक कंसिस्टेंसी तेजी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एक मंथ में लगभग 25%, 6 मंथ में आज भी देखा जाए तो 100% रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में। और उसके बाद कल से हम इन स्टॉक में एक अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग, अच्छे खासा हमें गिरावट देखने को मिला। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ये रीज़न दोस्तों, ये गिरावट होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इस प्रकार की गिरावट आने वाले 6 या 7 तारीख को, या उससे पहले आपको मतलब 6 या 7 तारीख के बीच में आपको इस प्रकार के थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकते इन स्टॉक में। और ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था कि जो लोग इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो उनको उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट ज़रूर मेंशन किया था कि ये तेज़ी जो आपको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है तो ये स्टॉक 3000 को भी ब्रेक कर सकता है, उसके बाद 3.5 से लेकर 4000 तक भी जा सकता है। लेकिन इस तेज़ी को अगर रोकने के लिए अभी शॉर्ट टाइम के हिसाब से अगर कोई रीज़न है इस कंपनी के लिए, तो कंपनी की क्या बिजनेस अपडेट, जैसे ऑटो कंपनी होता है तो हर मंथली हमें उनके ऑटो सेल्स देखने को मिल जाता है, जिनके चलते उन स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत हलचल देखने को मिल जाता है। तो सेम कुछ ब्रोकरेज हाउस कंपनी ऐसे होते हैं जिनके हर मंथली हमें उनके बिजनेस अपडेट देखने को मिल जाते हैं, कितने उन्होंने न्यू ऑर्डर बुक किए, कितने उनके जो क्लाइंट हैं किस तरह से ग्रोथ हुआ, तो उन सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, जिनके चलते शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर हमें उन स्टॉक में एक बहुत बड़े फ्लैक्चुएशन देखने को मिल जाते हैं। तो आज के दिन में जो आपको 303% की गिरावट देखने को मिला, और खास करके जो शुरुआती हमें इस प्रकार के खराब देखने को मिला, सो उसके पीछे का रीज़न ही दोस्तों है कि कल के दिन नहीं, आज के दिन सुबह सुबह इस कंपनी के जो अक्टूबर मंथ के जो हमें बिजनेस अपडेट देखने को मिला, सो उन्हीं के चलते हमें आज के दिन स्टॉक में एक अच्छे खासे गिरावट देखने को मिला। सो कैसे रहे इसके इंजिलॉन लिमिटेड के अक्टूबर मंथ के बिजनेस अपडेट, तो अगर हम उसके ऊपर जरूर जाएंगे डिटेल के ऊपर, बट उससे पहले अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट को देख लें, सो हाईलाइट आप देख पाएंगे स्टॉक में 5% का हमें गिरावट देखने को मिला आज के दिन शुरुआत में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसके पीछे का रीज़न था कि कंपनी के जो टोटल ऑर्डर है दोस्तों, वो डिक्लाइन करते हुए देखने को मिला, जो कि 7% का डिक्लाइन, वो भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। क्योंकि अगर हम पिछले मंथ सितंबर की बात करें तो 11.49 करोड़ थे, जो कि इस बार डिक्रीज होकर 10.59 करोड़, जो कि लगभग 7.5% गिरावट। तो क्या सिर्फ इन चीज़ों में कंपनी के जो ऑर्डर है दोस्तों, के ऑर्डर इन्हीं में सिर्फ कंपनी के गिरावट देखने को मिला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सो उन चीज़ों में भी इस मंथ में हमें एक अच्छे खासे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिला। तो चलते हम डायरेक्टली कंपनी के उस टेबल के ऊपर, जो कि हमें ईजी समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता। सो हम आ चुके हैं कंपनी के एकदम उस टेबल के ऊपर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रेडिंग डे, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। सबसे पहले क्लाइंट बेस, क्योंकि क्लाइंट बेस में कोई ग्रोथ हुआ तो यस, इस बार 17.78, पिछले मंथ में 17.07 और एक साल पहले तो 11.88। तो अगर हम बात करें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 404% की जंप है, बट ईयरली बेसिस पे लगभग 50% की जंप है, जो कि अच्छी बात है। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन की बात करें तो 0.77 और 0.35, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 505% की गिरावट, बट अगर हम ईयरली बेसिस बात करें तो 135% की जंप। अगर हम बात करें
एवरेज क्लाइंट फंडिंग की, तो वो भी 18.84, 16.20 और 15.75 की अगर हम बात करें तो मंथली बेसिस पे 16% की जंप है और ईयरली बेसिस पे लगभग 19% की जंप है। उसके बाद नंबर, अगर हम एवरेज डेली ऑर्डर की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करें, तो इन चीज़ों में आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गिरावट देखने को मिलेगा, बट ईयरली बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत जंप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चाहो तो कंपनी के जो एंजिलॉन के जो ADTO के जो है रहते दोस्तों, उसको भी चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो, जो कि 13,537, 32,500 और लगभग 13,800। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगभग 3% डाउन है और ईयरली बेसिस पे लगभग 127% की जंप। फिर FNO सेगमेंट की बात करें, जो कंपनी के कोर सेगमेंट है, जो कि 31,032 और 13 14 के आसपास आप बोल सकते हो, जो कि मंथ बेसिस पे डाउन है और ईयरली बेसिस अच्छे, जो कि ईयरली बेसिस अच्छे तो होना ही चाहिए। अगर हम कैश की बात करें या कमोडिटी की बात करें, तो उनमें अगर आप देखोगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि मार्केट शेयर। अगर हम रिटेल टर्नओवर मार्केट शेयर की बात करें, तो सबसे पहले इक्विटी में तो 26.7 और पिछले साल 21.7, तो ईयरली मंथ बेसिस पे लगभग 13% डाउन है, बट ईयरली बेसिस पे तो शानदार आपको जंप देखने को मिलेगा। FNO सेगमेंट की बात करें तो 26.6, पिछले मंथ 26.7 और एक साल बाद 21.7। तो सेम अगर आप ओवरऑल इक्विटी की बात करोगे या फिर FNO सेगमेंट की बात करें, तो उनमें जो मार्केट शेयर है कंपनी की, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डाउन देखने को मिल रहे और ईयरली बेसिस पे हमें अच्छे देखने को मिल रहे। और बाकी जो इनके छोटे मोटे सेगमेंट है, कमोडिटी की बात करें या कैश की बात करें, उनमें आपको थोड़ा अच्छे देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी के जो कोर सेगमेंट है, इक्विटी और FNO सेगमेंट, सो उन्हीं में कंपनी के मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल कंपनी के इस अक्टूबर मंथ की बिजनेस अपडेट की बात करें, तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार के कंपनी के बिजनेस अपडेट हर मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस तो अच्छे थे ही थे, बट मंथली बेसिस पे हमें अच्छे देखने को मिला था, लेकिन इस बात थोड़ा बहुत हमें डाउन देखने को मिला। और उसके पीछे का रीज़न है कि पिछले एक मंथ से या दो मंथ से आपने देखा होगा, जब निफ्टी ने 20,200 के लेवल बनाए थे, उसके बाद जो बाजार में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला, सो उन्हीं के चलते जो डीमैट अकाउंट नए ओपन किए जा रहे थे, सो उन्हीं के हमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल कंपनी के अक्टूबर मंथ के बिजनेस अपडेट की बात करें, तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वो भी अगर हम शॉर्ट टाइम के हिसाब से बात करें। सो इन्हीं चीज़ों के चलते जो स्टॉक इतना रिटर्न बना के दिया है, अगर आप निचले स्तर से देखोगे, जिन्होंने भी स्टॉक को लो लेवल पर खरीदा होगा, इस लेवल पर मैंने स्टॉक को बहुत बार कवर किया, लगभग 200% रिटर्न, वो भी एक तरफा। तो इतने परसेंट जिनको रिटर्न बनेगा, साथ ही 5-5 साल में आज भी 820% रिटर्न, तो ऑब्वियसली इस स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इस प्रकार के रीज़न बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता सकूँ, जिनको फेस बाइंग करना है वो अभी इग्नोर करें, कभी ना कभी आपको मौका देगा, तब चाहो तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, जो इस अक्टूबर मंथ के जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है, उसके रिएक्शन में जो गिरावट देखने को मिल रहा है, इसके ज़्यादा कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। अच्छे कंपनी तो आप डेफिनेटली बने रह सकते हो। अगर किसी को अभी एंट्री लेनी है, तो स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरा, 12% कुछ भी नहीं, इतनी रिटर्न बना के दिया 3-3 सालों में, उसके कंपनी में 12% गिरावट बहुत ही कम गिरावट है। तो प्लीज़ स्टॉक में और थोड़ा बहुत गिरावट आ जाए, तब चाहो तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। देन बात करेंगे CDSL लिमिटेड। सेम शुरुआत में भी इन स्टॉक में अच्छे खासे तेजी देखने को मिला, उसके बाद लगभग 101% की गिरावट। इन स्टॉक भी बात करें नंबर से पहले या फिर नंबर के बाद, हमें एक अच्छे खासे स्टॉक में तेजी देखने को मिला था, लगभग 6 मंथ में 60%, 5-5 साल की बात करें तो 535% रिटर्न। तो क्या इसके भी जो हमें तेजी लगातार देखने को मिला था, क्या इस तेजी में हमें ब्रेक लगते हुए देखने को मिला, तो ऐसा हम डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ये छोटा मोटा इस प्रकार के तेजी के बाद छोटा मोटा गिरावट आता है, बट डेफिनेटली जब ये स्टॉक 1720 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब आप ऐसा बोल सकते हो स्टॉक में एक बहुत बड़े तेजी आपको शायद से देखने को। देखो आज नहीं तो कल CDSL इस लेवल को ज़रूर ब्रेक करेगा, उसके बाद 2,000, 2,500, 3,000 तक भी आपको लॉन्ग टाइम में जाते हुए देखने को मिल जाएगा। बस टाइम के देरी, अच्छी कंपनी नंबर भी अच्छे दिखाए, तो आप डेफिनेटली बने रह सकते। देन एक आखिरी स्टॉक जो कि उसने तो कमाल ही कर दिया, अगर हम आज के दिन के परफॉर्मेंस की भी बात करें, तो लगभग 8.5% और 6-6 महीने में दोस्तों लगभग 300% के आसपास की रिटर्न, और ये स्टॉक आज 5 साल में लगभग 870% रिटर्न। स्टॉक एकदम बॉटम पे, मैंने खुद बताया था कि जिस प्रकार की न्यूज़ देखने को मिल रहा है, स्टॉक 1200-1500 के लेवल ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, जब तक कंपनी के Q2 का नंबर नहीं आता, बट नंबर आने से पहले स्टॉक ने अपना
जो 1500 है उसको भी ब्रेक करके 2000 को भी आज के दिन इसने ब्रेक कर दिया। अब स्टॉक कहाँ तक भागेगा किसी को नहीं पता। तो अगर किसी को एंट्री लेनी है तो जब स्टॉक तेज़ी आ जाता है तो हर कोई उसी पे बाय करने के बारे में सोचता है, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको जाना ही है तो 10 तारीख को कंपनी के नंबर है, उसके बाद ही चाहो तो आप इसमें एंट्री ले सकते। दैन अगर बात करें HP एडेसिव लिमिटेड की, अगर हम आज के दिन की बात करें तो लगभग 1.5% का हमें तेज़ी देखने को। स्टॉक की बात करें तो ये भी हाल ही में लिस्टिंग हुआ, तब से लेकर अभी तक एक ओके टाइप के परफॉर्मेंस बना के दिया। सो हाल ही में कंपनी ने जो 1:5 का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, सो एक्सटेंड है दोस्तों 9 नवंबर, यानी कि आज तो 7 नवंबर है। अगर कल के दिन कोई स्टॉक को बाय करता है तो इस सीरीज के लिए वो एलिजिबल